प्लीज। यस। दिव्या, मेरा सर क्यों घूम रहा है? दिव्या, दिव्या। हाँ जी। दिव्या। आ रही हूँ। फिर कहाँ? जल्दी आ। आ रही हूँ। गौरव, क्या हुआ तुम्हें? अरे यार, क्या हुआ? मुझे मुझे चक्कर आ रहा है, डॉक्टर को फोन करो। अच्छा, मुझे मुझे अजीब सा लग रहा है, फोन करो डॉक्टर को तुम। हाँ हाँ मैम, हाँ भी करती हूँ। गौरव, हेलो डॉक्टर, डॉक्टर साहब मेरे पति को पता नहीं क्या हो रहा है, जल्दी आ जाइए। हाँ ओके, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, हिम्मत रखो प्लीज। पांडे। जी सर। एम्बुलेंस को कॉल करो। जी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके। और ये लैपटॉप और इस मोबाइल को भी हिरासत में ले लो। ठीक है सर। और इस घर की बहुत अच्छी तलाशी लो। ओके सर। कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए। ठीक है सर। और मैडम, आपकी तारीफ? सर, मैं इनकी पत्नी हूँ। ओके। वैसे और कौन कौन रहता है यहाँ पर? सर, हम पति पत्नी के अलावा यहाँ कोई नहीं रहता है। ओके। मैडम, आपके पति किसी जाति दुश्मनी या किसी डिप्रेशन के शिकार थे? नहीं सर, मेरे पति तो बहुत अच्छे और नेक दिल के थे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी होगी। देखिए मैडम, धैर्य रखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, अभी हम चलते हैं, दोबारा जरूरत पड़ेगी फिर आएंगे। पांडे। यस सर। इन सब की सारी कॉल डिटेल्स निकालो। यस सर। और सोशल मीडिया पर जितनी भी अपडेट हैं। यस सर। वो सारी चेक करो। ओके सर। और अपना एक बंदा सिविल ड्रेस में इनके पीछे छोड़ दो। ओके सर। गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन क्राइम करते समय कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। अंडरस्टैंड? यस सर। कम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अमन, तुम बैठो, मैं दो मिनट में आती हूँ और फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक। हाँ, कल जो होमवर्क दिया था ना, वो कंप्लीट करके रखना, मैं आके अभी चेक करती हूँ। ओके मैम। अमन, 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 होमवर्क दिखाओ। अमन, ये दीजिए मैडम। ये क्या, तुमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया? वो मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला गया था, तो मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाया था। बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। कल होमवर्क कंप्लीट करके लेके आना,
नहीं तो ओके मैम। मैडम आपके हाथ पे चोट कैसी लगी? वो मैं गिर गई थी। ओह मैडम ये तो गिरने की चोट के निशान नहीं लग रहे। बोला ना मैं गिर गई थी। और तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। निकल आज की पढ़ाई खत्म निकल। कितनी बार बोला तुझे कपड़े ढंग से पहना कर, समझ आया तुझे? अंग प्रदर्शन करने का बहुत शौक है ना तुझे? बदतमीज, बहुत शौक चाहता है अंग दिखाने का, कमी नहीं कहीं की। हाय मैडम, क्या कर रही हो? साफ सफाई कर रही हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? और तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं सोच रहा था कि मैडम पढ़ाई के साथ थोड़ी सी मदद भी कर दूँ। अच्छा तो ठीक है, एक काम करो तुम ना, एक बाल्टी पानी और पोछा दोनों लेकर आ जाओ। ओके मैडम ये लीजिए पानी। पानी लेकर आए हो तो एक काम और कर दो, मुझे पोछा निचोड़ के दे दो, ये भी लगे हाथ पोछ लेती हूँ। ये लीजिए। दिव्या क्या चल रहा है ये सब? ओ साफ सफाई। तू यहाँ पढ़ने आता है, सफाई करने आता है? नहीं बस साफ सफाई करके पढ़ने बैठने वाले थे। चल निकाल। और हाँ कल अपने बाप को लेकर आना, उनको भी तो पता चले कि तू यहाँ पढ़ने आता है या क्या करने आता है। चल निकाल। सुधरेगी नहीं तू, चल दिखाता हूं तुझे। बदतमीज, बहुत शौक चढ़ा है अंग दिखाने का। Hey!
मन आज होमवर्क करके लाए हो ना, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। गुड। क्या बात है, आजकल तुम पूरा होमवर्क कर रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर निकालो। अमन ध्यान किधर है तुम्हारा, नेक्स्ट चैप्टर ओपन करो। दिव्या मैम, मैं आपसे एक बात पूछूं? अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ पूछो। आपके पति मारते हैं ना? ये निशान, ये निशान मारने का है ना मैम? आप अपने पति को, आप अपने पति को समझाती क्यों नहीं मैम? अमन, मैंने बोला था ना कि मैं गिर गई थी, ये उसी चोट की वजह से निशान है ये। मैम जब मैं कल आपके घर से गुजर रहा था, मुझे लगा कि आपके पति आपको मार रहे हैं और मैं दरवाजे पे खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। अमन ये क्या कर रहे हो, अमन ये क्या कर रहे हो? दवाई लगा रहा। अमन तुम दे दो, मैं लगा लेती हूँ। अमन तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। हाँ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इस हालत में देख नहीं सकता मैम। मैं आपको सचमुच में बहुत चाहने लगा हूँ मैम। I really like you. I love you. अमन मैं शादीशुदा हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो। मैम मुझे बस इतना पता है कि मैं आपके बिना जी नहीं सकता और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैडम आपके पति गोपाल ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनके मर्डर हुआ है। What? किसने किया? अच्छा आपको नहीं पता ये किसने किया है? आप कहना क्या चाहते हैं? दिव्या जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार आपके पति मिस्टर गोपाल की मौत नींद की गोली खाने से नहीं बल्कि जहर खाने से हुई है। हमने आपके और मिस्टर अजय के
सारे कॉल्स डिटेल्स निकाली हैं। अब आप मुझे सच बताएंगी या फिर सच निकालने के हम दूसरे तरीके अपनाएं? बताइए क्यों किया आपने अपने पति का खून? क्यों किया? सर मेरे पति मुझे बहुत मारते थे। और ये बात एक दिन अजय को पता चली तो उसकी सहानुभूति कब प्यार में बदल गई मैं भी नहीं समझ पाई। और हम दोनों बहुत खुश थे और मेरे पति से ये देखा नहीं गया तो एक दिन आप अपने पति से अलग क्यों नहीं हो जाती? वो मुझे कभी अपने आप से अलग नहीं होने देंगे। अगर वो तुम्हें अलग नहीं होने दे रहा है तो तुम उसके खाने में जहर मिला के अलग कर दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने सोच भी कैसे लिया ये? एक बार हिम्मत करके तो देखो। उसके खाने में जहर मिला के और खाने के साथ में कुछ नींद की टैबलेट मिला देना और फिर देखना, सबको लगेगा कि तुम्हारे पति ने सुसाइड किया। फिर तुम्हें वो परेशान नहीं करेगा। तुम पागल हो गए हो। छोड़ो। बस एक बार आपने अगर थोड़ी सी हिम्मत कर दी तो पूरी जिंदगी और आपको मार खानी नहीं पड़ेगी और आपको जिल्लत की जिंदगी जीना नहीं पड़ेगी। आप आजाद हो जाओगी। पी लो ना, ठंडा हो जाएगा। हाँ तुम जाओ, मैं पी लूंगा। ठीक है। अरे आपने दूध नहीं पिया अभी तक, पी लो और मुझे ग्लास दे दो खाली करके। पी लूंगा थोड़ी देर में, कुछ काम कर रहा हूँ। पी लूंगा, जाओ तुम। तो पी भी तो सकते हो ना। ये लो पहले दूध पियो। पी लो ना प्लीज। सरदर्शी क्यों हो रही मुझे? दिव्या, दिव्या। हाँ जी। कहाँ मर गई? आ रही हूँ। दिव्या, डॉक्टर को फोन लगाओ। बहुत घबराहट हो रही मुझे, बहुत अजीब सा फील हो रहा है मुझे। डॉक्टर को फोन लगाओ प्लीज। दिव्या, डॉक्टर को फोन क्यों नहीं कर रही है तू? दिव्या।
अगर आपके पति आपको मारते थे, आप पर अत्याचार करते थे, तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए था। आपने एक नासमझ स्टूडेंट की बातों में आकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट कर लो मांडे। चलो